गुना जिले में नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 10 में हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने एक तरफा जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को महज 246 वोट ही मिले, जिसके चलते उनकी जमानत भी जब्त हो गई। दरअसल वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद डॉक्टर कल्याण लोधा का डेंगू से निधन हो गया था। इस वजह से वार्ड 10 में उपचुनाव हुआ, जिसमें सोमवार को उपचुनाव के लिए मतदान किया गया। बता दें कि प्रमुख रूप से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी ही मैदान में थे। एक और जहां भाजपा ने कल्याण डॉक्टर लोधा के बेटे विनोद लोधा को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने प्रेम नारायण कुशवाहा को मैदान में उतारा था। सोमवार को पार्षद पद के लिए मतदान केंद्र क्रमांक 45, 46, 47, 48 और 49 में मतदान हुआ। इसमें लगभग 1602 पुरुष और 1583 महिला मतदाताओं सहित कुल 3185 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गुरुवार को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र सिंह की मौजूदगी में सुबह 9 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई और इस काउंटिंग में भाजपा प्रत्याशी विनोद लोधा को 2794 वोट मिले। वहीं उनकी इस जीत पर भाजपा प्रत्याशी विनोद लोधा ने सभी मतदाताओं का आभार माना और कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया। मैं सभी मेरे वार्ड नंबर 10 के नगर वासियों का उनका आभार, धन्यवाद, उनका जो मुझे प्रेम आशीर्वाद मिला है, सदैव मैं उनका ऋणी रहूँगा और उनका मेरे पिताजी ने जो कार्य किया है, मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।